हेलो गाइज, नमस्कार। मैं आपको तो जादू सरकार और टेक्निकल जेस में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, आज की वीडियो बहुत ही खास होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेजन का एक अनलिमिटेड ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं। जी हां, जिसके तहत आप लोग 20 रुपीज देकर 40 रुपीज का रिचार्ज कर पाओगे, वो भी अनलिमिटेड टाइम। सिर्फ इतना ही नहीं, आप एक ही डिवाइस पे और एक ही नंबर पे ये ट्रिक को अनलिमिटेड टाइम अप्लाई कर सकते हो और 20 रुपीज देकर 40 रुपीज रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि इस महीने का रिचार्ज आप लोग इस ट्रिक से ही निकाल लोगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिए, मैं आप लोगों को फुल प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग ट्रिक को अच्छे से समझ लो, इसके बाद जाके अप्लाई करना। और अगर वीडियो पसंद आता है तो अपनी तरफ से एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइंट हो जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। यहाँ पर टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर सर्च करना टेक्निकल जेएस, इसके बाद आप ज्वाइंट जरूर हो जाना, क्योंकि टेलीग्राम पर भी आप लोगों को बहुत मस्त ऑफर मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं कि अमेजन न्यू यूजर को एक ऑफर दे रहा है। मतलब कि अगर कोई न्यू अकाउंट बनाता है तो अमेजन उस अकाउंट पे एक ऑफर दे रहा है, रिचार्ज ऑफर है, जिसके तहत अगर आप लोग जाकर रिचार्ज करते हो तो आप लोग को 100% के सबसे 25 रुपीज का कैशबैक मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप लोग किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी ऑफर का हम लोग अनलिमिटेड टाइम अप्लाई करेंगे, अनलिमिटेड ट्रिक करेंगे। तो इसके लिए आपके पास सिर्फ एक नंबर होना चाहिए, चाहे वो न्यू नंबर हो, मतलब कि जिस नंबर से कोई अमेजन का अकाउंट नहीं है वो भी चलेगा, या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा अमेजन अकाउंट है जिसको आपने बहुत दिन पहले क्रिएट तो किया था लेकिन अभी फिलहाल यूज़ नहीं करते हो, उसमें ना ही UPI ID क्रिएट किया है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही क्रिएट करके आपने उसे रख दिया है, तो उस अकाउंट का नंबर भी चलेगा। मतलब कुल मिलाकर बात है कि आपके पास एक नंबर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपका जो मेन अमेजन का अकाउंट है उस अकाउंट को कभी भी छेड़छाड़ मत करना, उस नंबर को कभी भी यूज़ मत करना। ओके, अब दोस्तों आपका डिवाइस पे जो अमेजन एप्लीकेशन है उसे शायद आप पहले से ही यूज़ करते होंगे, इसीलिए आप अमेजन की सेटिंग पे जाओ और अपना अमेजन का डेटा क्लियर कर दो। इसके बाद आप सिंपली अमेजन एप्लीकेशन को ओपन करो। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो, न्यू टू अमेजन क्रिएट एन अमेजन अकाउंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक करो। इसके बाद यहाँ पर आप अपना नेम और वो मोबाइल नंबर और पासवर्ड सिंपल डालना, ताकि लॉगिन करने में बाद में आपको आसान हो, आपको याद रहे, वो डाल के आप सबमिट करो। जैसे ही सबमिट करोगे आपको बताया जाएगा, अगर ऑलरेडी अकाउंट पहले से ही था तो आपको बताया जाएगा कि आपका इस नंबर पर ऑलरेडी एक अमेजन अकाउंट है। तो इसके बाद नीचे देखो, क्रिएट अकाउंट विद दिस नंबर, मतलब इसी नंबर से आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आप फिर से आपको एक बार कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद आपके नंबर पे एक OTP आएगा, यहाँ पर OTP डाल दो। बस जैसे ही OTP डाल देते हो यहाँ पर आपका एक न्यू अकाउंट बन चुका है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे ही न्यू अकाउंट बन चुका है इसके बाद आप रिवार्ड वाले सेक्शन पे जाओ। तो जिस ऑफर के बारे में मैंने आप लोग बताया था, रिचार्ज ऑफर के बारे में, वो ऑफर आपको देखने को मिल जाएगा कि 100% के हिसाब से आपको 25 रुपीज़ का कैशबैक मिलने वाला है, जिसमें किसी भी ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हो। तो सिंपली ऑफर को कलेक्ट करो, इसके बाद आप पे नाउ पे क्लिक कर दो। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप मोबाइल रिचार्ज वाले सेक्शन पे पहुंच जाओगे। इसके बाद आप लोगों को जाके यहाँ पर रिचार्ज करना है। अब देखो, आप कितना अमाउंट का रिचार्ज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप यहाँ पर 20 रुपीज़ का भी रिचार्ज कर सकते हो, उसके लिए आप लोगों को 20 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा, या फिर आप 25 रुपीज़ यहाँ पर उससे ज़्यादा का भी रिचार्ज कर सकते हो, उसमें आप लोगों को मैक्सिमम 25 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा, क्योंकि 100% की सबसे 25 रुपीज़ वाला ऑफर है। ठीक है, तो वो आप डिसाइड करो, आप 50 का भी कर सकते हो, 20 का भी कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर मैं 20 रुपीज़ का रिचार्ज करूँगा, तो 20 रुपीज़ अमाउंट यहाँ पर डाल लेता हूँ। इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट पेज पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक है UPI नेट बैंकिंग और एक है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। अब दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उससे भी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो पेमेंट करने के बाद उस कार्ड को अपने अकाउंट से रिमूव भी करना पड़ेगा। इसके बाद जाके उस कार्ड को आप नेक्स्ट जो अनलिमिटेड ट्रिक करोगे, नेक्स्ट टाइम अकाउंट बनाओगे उसमें यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग जो UPI नेट बैंकिंग का ऑप्शन है इसी से पेमेंट करो। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करो कि आप सभी लोगों के पास एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन ज़रूर होगा, यूज़ ज़रूर करते होंगे एयरटेल थैंक्स, मतलब कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक एप्लीकेशन, उसी से आप लोग पेमेंट कर पाओगे अनलिमिटेड टाइम। ठीक है, एक ही अकाउंट से, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग इसी ऑप्शन को चूज करो। तो सिंपली आप UPI नेट बैंक पे क्लिक करो, इसके बाद आदर्श वे पे क्लिक करो। यहाँ पर देख लो, सबसे पहले आप लोगों को एयरटेल पेमेंट्स बैंक दिख जाएगा, इस पर क्लिक करो। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दो, मतलब कि प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दो। तो इसके बाद आप सभी लोगों को बताओगे कि अमेजन पे फर्स्ट टाइम जब भी आप कुछ करते हो तो आपको एड्रेस डालने के लिए बोला जाता है। तो आप अपना एड्रेस, कोई भी एड्रेस डाल सकते हो, छोटा मोटा कोई भी फेक एड्रेस भी, अपना रियल एड्रेस भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपना एड्रेस यहाँ पर डाल दो और कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद पेमेंट पेज पर आ जाओगे। इसके बाद दोस्तों आपके एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन का जो नंबर है वो नंबर डालो, नंबर पे एक OTP आएगा, OTP वेरीफाई कर दो। इसके बाद आप यहाँ पर पेमेंट को सक्सेसफुल कर दो। तो जैसे ही आपका यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, इसके बाद देखो 20 रुपीज़ का मेरा रिचार्ज किया और मुझे 20 रुपीज़ का कैशबैक मिल चुका है। अगर आप लोग 20 रुपीज़ आप उससे ज़्यादा का करते हो तो आप लोग को मैक्सिमम 25 का कैशबैक मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों सिंपली आप अमेजन पे वाले सेक्शन पर जाओ और इसके बाद यहाँ पर आप अपने अकाउंट पे देखो, एक सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेटअप करना होगा, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कोई एक डॉक्यूमेंट्स देना होगा, तो आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सिंपली यहाँ पर पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लो। इसके बाद पैन कार्ड नंबर का जो फॉर्मेट होता है
उस फॉर्मेट में आप कोई भी नंबर डालो वो एक्सेप्ट हो जाएगा और इसके बाद आपके वॉलेट पे 20 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। अब दोस्तों इस कैशबैक को आप यूज कैसे करोगे या फिर बाहर कैसे निकालोगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों को दो प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले तो इस कैशबैक को देकर आप यहाँ पर इंस्टेंट रिचार्ज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर मैं आप लोगों को एक दूसरा मेथड बताता हूँ, क्योंकि ये अनलिमिटेड ट्रिक है इसीलिए कि जिसके तहत आप लोग ये 20-20 रुपीज़ करके जो कैशबैक मिलेगा हर टाइम, तो उस पैसे को आप एक एप्लीकेशन पे जाके इकट्ठा कर सकते हो और इसके बाद उस एप्लीकेशन पे जाके एक बार में कोई मोबाइल का पैक एक्टिव कर सकते हो, मतलब कि रिचार्ज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से शायद अच्छा होगा। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन का नाम है कंपनीफाई, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को कंपनीफाई एप्लीकेशन को डाउनलोड दे दूंगा, आप सबसे पहले उसे डाउनलोड कर लेना और सिंपल अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी से एक अकाउंट बना लेना। ठीक है, जैसे ही अकाउंट बना लेते हो इसके बाद आप, जैसे कि मैं कंपनीफाई एप्लीकेशन पर आ चुका हूँ, इसके बाद यहाँ पर देखो आपको एक रिचार्ज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोगों को एक ट्रिक अप्लाई करना होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। रिचार्ज पे क्लिक करना है, इसके बाद जिस नंबर पे आपको रिचार्ज करना है एक नंबर डालो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो आपका ऑपरेटर है ना वो गलत ऑपरेटर डाल दो। जैसे कि इस नंबर पे मेरा जियो नंबर है ये, तो मैं यहाँ पर कोई दूसरा, मतलब BSNL सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई दूसरा सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ऑपरेटर। इसके बाद आप अमाउंट पे 20 रुपीज़ डालो, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करने के बाद आपको पेमेंट पेज पे अमेजन पे का ऑप्शन दिख जाएगा, अमेजन पे को सिलेक्ट करो। इसके बाद यहाँ पर आप अपने अमेजन अकाउंट पर लॉगिन हो जाओ उसी नंबर अकाउंट पर। ठीक है, अमेजन अकाउंट पर लॉगिन होने के बाद यहाँ पर ये 20 रुपीज़ का पेमेंट कर दो वॉलेट से। बस जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो, ये जो आपने गलत ऑपरेटर चूज़ किया है उसके लिए ये यहाँ पर आपका रिचार्ज फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही देखो यहाँ पर रिचार्ज फेल्ड हो चुका है। अब जैसे ही रिचार्ज फेल्ड हो चुका है, इसके बाद ये पैसा आपको इस अकाउंट के वॉलेट पे मिल जाएगा पॉइंट्स के हिसाब से। ठीक है, जिसे आप लोग 100% यूज़ कर सकते हो जब आप नेक्स्ट रिचार्ज करोगे। तो जैसे ही आपका पेमेंट फेल होता है, इसके बाद आप एप्लीकेशन पे बैक कर जाओ। इसके बाद एप्लीकेशन की 3 लाइन पे क्लिक करो और यहाँ पर आपको रिचार्ज पॉइंट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करो। तो यहाँ पर देखो आपको पॉइंट्स मिल चुका है, इसे देखकर आप लोग 100% रिचार्ज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो इसे। ठीक है, अब दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स को मतलब कि इकट्ठा करना है। अब एक बार तो आपने कर लिया है इसी नंबर पे, चलिए दोबारा कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोबारा करने के लिए फिर से आप लोगों को सेटिंग पे जाना होगा और अमेजन एप्लीकेशन का डेटा क्लियर कर देना होगा। डेटा क्लियर करने के बाद बिल्कुल सेम प्रोसेस, फिर से उसे ओपन करो। ओपन करने के बाद यहाँ पर क्रिएट एन अमेजन अकाउंट पे क्लिक करो, तो यहाँ पर कोई दूसरा नेम डालो, वही मोबाइल नंबर डालो जो आपका पहले था। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड कोई अलग डाल दो। ठीक है, इसके बाद आप सबमिट करो, फिर से आपको दिखाया जाएगा कि ऑलरेडी अकाउंट है, तो नीचे आपको फिर से कंटिन्यू नंबर पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप कंटिन्यू करो, नंबर पे एक OTP आएगा, फिर से OTP डाल के इसे वेरीफाई कर लो, तो फिर से एक फ्रेश अकाउंट बन चुका है यहाँ पर, देख सकते हो। तो फिर से यहाँ पर मैं रिवॉर्ड वाले सिस्टम पर जाता हूँ, तो देखो फिर से यहाँ पर मुझे वो वाला ऑफर मिल चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से ऑफर को कलेक्ट करना है, पे पे क्लिक करना है, इसके बाद जाके आप रिचार्ज करो। मैं 20 रुपीज़ का उसी नंबर पे रिचार्ज कर लेता हूँ और पेमेंट बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर UPI नेट बैंकिंग ऑप्शन को चूज़ करके, यहाँ पर जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक था यानी कि एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन था, उसी अकाउंट से मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस पेमेंट कर देता हूँ। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ पर देखो फिर से मुझे यहाँ पर 20 रुपीज़ का कैशबैक मिल चुका है। इसके बाद सिंपली बैक करता हूँ और अमेजन पे बैलेंस वाले सेक्शन पर चले जाता हूँ। तो यहाँ पर फिर से आपको सेटअप पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर पैन कार्ड को सिलेक्ट करके कोई फेक पैन कार्ड नंबर डाल दो, जैसे कि मैंने पहले बताया था। तो डालने के बाद जैसे सबमिट करोगे, इसके बाद आपके वॉलेट पे 20 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। बस जैसे 20 रुपीज़ ऐड हो चुका है, बिल्कुल उसी तरह से आपको फिर से कंपनीफाई एप्लीकेशन पे इसे ट्रांसफर कर लेना होगा। जैसे ही आप अमेजन पे बैलेंस को सिलेक्ट करके सबमिट करोगे, यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा कि आपका जो पुराना अमेजन अकाउंट था उस अकाउंट पर आप लोगों को लॉगिन कर देगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको वेबसाइट पे लेके जाता है और वेबसाइट पे आपका पुराना अकाउंट पहले से लॉगिन था, तो इसीलिए ये होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आप अपने एप्लीकेशन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करो, इसके बाद यहाँ पर आप amazon.com.in पे चले जाओ। ठीक है, amazon.in पे जाने के बाद देखो कि यहाँ पर जो आपका पुराना अकाउंट था वो लॉगिन है। यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक करो, रवि नाम से मैंने बनाया था पुराना अकाउंट, तो वो लॉगिन है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा, इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करो, इसे आप लॉग आउट कर दो, साइन आउट कर दो। ठीक है, तो ये साइन आउट पहले ही आप कर लेना हर बार के लिए। ठीक है, बस जैसे ही आप साइन आउट कर देते हो, इसके बाद आप कंपनीफाई एप्लीकेशन पर जाके ये 20 रुपीज़ का रिचार्ज जब आप करोगे, इसके बाद अमेजन पे बैलेंस पर आप क्लिक करोगे, तो इस बार देखो आपको यहाँ पर लॉग इन होने के लिए बोला जाएगा। तो बस जो आपने न्यू अकाउंट बनाया है वो नंबर डालो, पासवर्ड डालो, कंटिन्यू करो, इसके बाद आप न्यू अकाउंट पर लॉग इन हो जाओगे। इसके बाद यहाँ पर देखो वॉलेट पर 20 रुपीज़ है, वो आप पेमेंट कर दो। पर जैसे रिचार्ज फेल होता है वो आपके एप्लीकेशन की पॉइंट्स पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो 165 पॉइंट्स यहाँ पर मेरे पास हो चुका है, मतलब कि 165 रुपीज़, एक पॉइंट्स का मतलब 1 रुपीज़। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों आप एक ही नंबर से, एक ही डिवाइस से अनलिमिटेड टाइम इस ऑफर को अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग पेमेंट करना होता है सिर्फ 20 रुपीज़ का, आपका रिचार्ज हो रहा है टोटल 40 रुपीज़ का। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कंपनीफाई एप्लीकेशन पे जब आप लोग पॉइंट्स को, मतलब कि पॉइंट्स को इकट्ठा कर लोगे जितने आप रिचार्ज करना चाहते हो, इसके बाद जाके आप रिचार्ज कैसे करोगे उस पॉइंट्स को देकर। तो कंपनीफाई एप्लीकेशन पे जाना है, रिचार्ज अमाउंट डालना है, जो भी आप रिचार्ज करना चाहते हो कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद पेमेंट पेज पे आप लोग को एक पॉइंट्स का ऑप्शन मिलेगा, रिचार्ज पॉइंट्स का ऑप्शन देख लो, फर्स्ट ऑप्शन ही मिल जाएगा। जैसे ही क्लिक करोगे, कंटिन्यू करोगे, तो यहाँ पर देखो वो पॉइंट्स अप्लाई हो जाएगा, 100% यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
तो गाइज यही था वीडियो, आप सभी लोग जाकर इस ट्रिक को जरूर अप्लाई करो, और आप लोगों को ट्रिक कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट पर जरूर बताना, और टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन जरूर हो जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड टेक केयर।